नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इन वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी ग्रामर को कवर करने वाले हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 7 में हमारा संज्ञा। ठीक है, यदि आपने हमारे चैप्टर नंबर 1-6 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और उन सभी चैप्टरों को आप देख लें। हमने एक एक चैप्टर को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके पढ़ाया है। इससे होगा क्या कि आगामी जो जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है ना, वो आपके चाहे यूपी टैट हो, सी टैट हो या फिर स्टेट टैट हो, उन सभी में आपको हिंदी विषय में काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। ये देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं आपका संज्ञा, तो संज्ञा में सबसे पहले हम जो है संज्ञा की एक थोड़ी सी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। देखिए, हमारा एक परिभाषा दी हुई है, हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, हमारी ये परिभाषा दी हुई है संज्ञा में, सबसे पहले तो इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन तो एक यहाँ से बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि कृषि, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है, तो वहाँ हमारा आंसर हो जाएगा संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, जिसमें बताया गया है संज्ञा के बारे में, हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के प्राणी तथा वस्तुएं देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल देखते हैं, इन सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। हाँ भाई, देखिए हम अपने वातावरण में, अपने आसपास जितनी भी कोई वस्तुएं देखते हैं उनका कोई ना कोई नाम तो होता है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बिना नाम का संज्ञा में कुछ नहीं है, यानी कि जिस भी किसी भी वस्तु का अगर नाम है तो वो संज्ञा है। देखिए, संज्ञा के नाम को ही व्याकरण संज्ञा कहा जाता है। बिल्कुल सही, देखिए किसी भी वस्तु का अगर कोई नाम है तो वो अपने आप में जो है संज्ञा है। ठीक है, हर एक उसका जो अपना एक नाम होता है। ठीक है, देखिए सर, इसमें भी देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, संज्ञा के भेद। सबसे पहले हम संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। देखिए संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, देखो संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं। यहाँ से आपके एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो वहाँ 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 में से एक आपका होगा 5। ये देखिए, तो आपका सही आंसर जो क्या होगा हमारे के संज्ञा के जो है आपके 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला आ जाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आ जाता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आ जाता है हमारा भाववाचक। चौथा समूहवाचक। और सबसे लास्ट में आ जाता है 5वां हमारा द्रव्यवाचक। ठीक है, ये हमारे 5 भेद होते हैं संज्ञा के। देखिए, इन 5 के ऊपर जो है ना काफ़ी अच्छे से हम जो है पढ़ाएंगे। ठीक है, अब तो बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमारा दिया गया है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आइए जान लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। ये देखिए, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही, देखिए किसी व्यक्ति या विशेष के नाम को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही बताया है, जैसे कि कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले दिया गया है जैसे आपका गीता, देखिए गीता दिया हुआ है गीता, तो ये क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राम कृष्ण दिया हुआ है आपका, राम दिया हुआ है, ताजमहल दिया गया है, भारतवर्ष दिया गया है, ये सभी क्या है आपके, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इनमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि चित्र के माध्यम से भी देखिए आपको बताया गया, जैसे कि राम, आपका कृष्ण, ये किताब, ये आपके ताजमहल। ठीक है, ये दिए गए हैं ना चित्र के माध्यम से, देखिए समझाया गया है इस वीडियो में आपको कि ये सभी जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, व्यक्तिवाचक के कुछ उदाहरण लिए हुए हैं हमने। देखिए सबसे पहला आता है जैसे कि दिनों के नाम जो होते हैं ना हमारे, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये जितने भी होते हैं नाम आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब ये देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, जितने भी महीने होते हैं 12 मंथ, ये आपके जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जितने भी देशों के नाम हैं, जैसे कि भारतवर्ष, श्रीलंका, चीन, फ्रांस, नेपाल, पाकिस्तान आदि जितने भी देश हैं वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि गांवों के नाम, जितने भी गांवों के नाम हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देगा रामपुर, मेहरगढ़, नवाबाबाद, ये जितने भी गाँव के जितने भी नाम हैं वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाते हैं। नगरों के नाम हो गए, आपके पहाड़ों के नाम हो गए, देखिए जैसे कि हिमालय, शिवालय, सतपुड़ा, विध्यांचल, अल्पस आदि जितने भी पहाड़ों के नाम हैं, ठीक है, वो सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आप ध्यान से इन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, झीलों के नाम, जिन्हें जिस किसी का भी कोई आपके पर एक लास्ट नेम होता है आपका, वो आपका
व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं बात करूँ आपको नदी, एक शब्द लिखता है वो नदी नदी नदी, ठीक है, ये देखिए हमने नदी लिख दिया है नदी। तो अगर मैं इससे पूछूँ तो इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए, इसे आपका आंसर क्या होगा? तो वहाँ पर जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, वहाँ पर आपका हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम नदी को कोई नाम दे दें, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी नाम दे सकते हैं उस नदी का, तो उस समय में जो भी उसका नाम होगा तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे आप व्यक्तियों के नाम देखें, कोई भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे कि यहाँ पर देखा है, जैसे गोपाल दिया हुआ है, कबीर दिया गया है, तुलसीदास दिया गया है, नानक, महात्मा गांधी जी दिए हुए हैं हमारे, जितने भी होते हैं आप सबके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये देखिए ये तो ये सब व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं, और व्यक्तिवाचक के बारे में काफ़ी अच्छे से हमने बताया है। अब जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा से कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे लगता है अब तो आप उसे गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला को देखते हैं, अगला कौन सा है हमारा, अगला ये देखिए, अगला आ जाता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा देखिए, जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ लेते हैं हम, इसमें क्या लिखा हुआ है। आप ना जो भी परिभाषा है ना उन्हें काफ़ी ध्यान से पढ़िए, ठीक है। हमने काफ़ी जो है ना एनालिसिस करके परिभाषाएं बनाई हैं, ठीक है। परिभाषाएं तो बहुत ही डिफिकल्ट भी होती हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी भी होती हैं, लेकिन हमने बिल्कुल शॉर्ट आसान शब्दों में आपको पढ़ाया है। देखिए जो बिल्कुल आसान शब्दों में लिखी गई है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु तथा प्राणियों का बोध हो, देखिए जिन संज्ञाओं से किस एक ही प्रकार की वस्तु या प्राणियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए उनमें जो क्या कहते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो जातिवाचक के कुछ उदाहरण दें, जैसे कि हम देख लेते हैं पहाड़, जितने भी देखिए पहाड़ हैं हमारे, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। इतने पेड़, जो तो पेड़ शब्द है आपका, ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे नदी दिया हुआ है हमारा, गाय, मनुष्य दिया हुआ है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा ही कहलाते हैं। लेकिन जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में बहुत बड़े कन्फ्यूजन में पड़ने वाले हो, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए शब्द दिए हुए हैं आपका, दूसरा जगह आपका व्यक्तिवाचक और दूसरा जगह आपका जातिवाचक। तो ये पुरुष है, पुरुष ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहीं अगर पुरुष का कोई नाम है, जैसे कि अर्जुन, ये एक पुरुष है अर्जुन, और उसका नाम अर्जुन है, और वो जो है एक पुरुष है, तो वहाँ पर जो अर्जुन नाम है वो आपका जातिवाचक से कहलाएगा। लेकिन अर्जुन एक पुरुष है, तो पुरुष जो शब्द है ये आपका जातिवाचक कहलाएगा, और जो अर्जुन है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं जातिवाचक में, जैसे कवि है, कवि किसी का नाम तो नहीं होता ना, आपने किसी का नाम सुना है कवि, नहीं सुना होगा, लेकिन कवियों के नाम, जैसे कि तुलसीदास, तुलसीदास जो है कवि है, ठीक है। तो जो उनका नाम है, एग्जैक्ट जो उनका नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जिस श्रेणी में वो आते हैं, यानी कि वो कवि की श्रेणी में आते हैं, तो कवि जो शब्द है आपका, ये आपका जातिवाचक हो गया, ठीक है। अगले एक और देख लेते हैं, जैसे कि स्त्री, स्त्री किसी का नाम नहीं होता, स्त्री जो है ना एक अपने आप में जो है एक, मैं समझ कहूँगा कि वो एक ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि पुरुष हो गया, देखिए पुरुष एक ग्रुप है, ऐसे ही आपका स्त्री भी होता है, ठीक है। लेकिन स्त्री का अगर मैं वहीं किसी स्त्री का नाम दे दूँ, जैसे कि मीराबाई, मीराबाई देखो स्त्री है, बिल्कुल है, मीराबाई एक स्त्री है, ठीक है। तो जहीं मीराबाई जो हो जाता है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब वहीं अगर मैं बात करूँ वो कौन है, वो एक स्त्री है, तो स्त्री क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं, जैसे कि नदी, इसके कुछ देखिए पीछे जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये सभी हमने पढ़ाए हैं, ठीक है, नदी के बारे में, स्त्री, कवि, पहाड़, इनके सब के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा लिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरे शब्द लेते हैं, देखिए नदी, हमने नदी लिया हुआ, तो नदी भी एक ग्रुप होता है, काफ़ी सारी नदियाँ होती हैं, लेकिन अगर हम नदियों के नाम दे दें, जैसे कि गंगा है, गंगा एक नदी है, लेकिन गंगा उसका नाम है, तो गंगा हमारा जो है व्यक्तिवाचक हो जाता है, और नदी जो हमारा जातिवाचक हो जाता है, ठीक है। अगले देखें नगर, ये जितने भी नगर हैं ये हमारे सब आते हैं जातिवाचक संज्ञा में, लेकिन नगर का अगर हम कोई नाम दे दें, जैसे कि मेरठ, आगरा, अलीगढ़, कोई भी नाम हो सकता है, तो आगरा, जैसे हम से आगरा ले लेते हैं आपका, तो आगरा आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। तो अरे ये देखिए हमने पहाड़ लिया हुआ, पहाड़ी जितनी भी जो हमारी पहाड़ी जितनी भी होते हैं आपके पहाड़ जो है आपका, ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर वहीं हम किसी पहाड़ का नाम दे दें, जैसे कि आपका हिमालय, हिमालय एक पहाड़ है ना, लेकिन उसका नाम हिमालय है, तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये देखिए
तो आप अभी आप जो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के या फिर जातिवाचक संज्ञा के ऊपर, तो मुझे लगता है कि इन सभी डाउट जो हमने क्लियर कर दिए हैं आपके, उसके आधार पर अगर आप आंसर करते हैं तो वो आंसर 100% आप सही करके आओगे। ठीक है, ये देखिए हमने इसमें जातिवाचक संज्ञा को पढ़ा है, ठीक है, इसमें जातिवाचक संज्ञा को पढ़ाया हमने और व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ाया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपका उसमें समूहवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक संज्ञा को काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जल्दी हम अपना पार्ट टू भी लेके आएंगे, हमारा पार्ट वन टू जब जरूर देखेगा। और यदि आपने हमारे जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 नहीं देखे हैं, तो हमने उनके चैनल के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, आप उन लिंक पर जाएं और उन्हें पढ़ लें। होगा क्या कि हम जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं आपकी, यूपी टैट, सी टैट या फिर अदर स्टेट की टैट, इतनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, अगर हिंदी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन इस पार्ट से आता है तो आप उसे कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और जो हमारा चैनल है Study2+2 इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तथा अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दिएगा ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे आपसे।